दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर करण कुंद्रा घर के सभी कंटेस्टेंट पर बुरी तरीके से भड़क चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतीक सहजपाल अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह करके घर के सभी कंटेस्टेंट उनके आगे झुक जाए और उनका नाम कैप्टनसी की रेस में शामिल कर ले। और घर वाले भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो प्रतीक को किसी भी सूरत में घर का कप्तान नहीं बनाना चाहते, जिसके चलते घर के सभी कंटेस्टेंट का इस समय प्रतीक के साथ में झगड़ा हो गया था। हालांकि प्रतीक अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते करण कुंद्रा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पहले तो प्रतीक सहजपाल को बुरी तरीके से फटकार लगा दी। लेकिन दोस्तों इन सभी के बावजूद जब प्रतीक सहजपाल नहीं माना तो करण कुंद्रा घर के सभी कंटेस्टेंट पर बुरी तरीके से भड़क गए और घर वालों को सुनाते हुए करण ने कह दिया कि सब लोग आप पागल हो, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज सिम्बा जैसा भोला भाला मासूम, अकाशा जैसी सीधी साधी लड़की और विशाल जैसा लड़का नॉमिनेशन में चला गया है। लेकिन प्रतीक जैसे गधे अभी भी नॉमिनेशन से सेफ है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रतीक जल्द से जल्द नॉमिनेट हो और जनता इसको घर से बाहर करे, क्योंकि ये इसी तरीके से बचकानी हरकतें करेगा तो ये ज्यादा दिन घर के अंदर नहीं टिक पाएगा। अब दोस्तों करण कुंद्रा इतने गुस्से में बोल रहे हैं घर वालों को कि घर वालों की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो पलट कर वापस करण को इसका जवाब दे। वहीं दोस्तों करण को इतना बुरी तरीके से भड़कता हुआ देखकर तेजस्वी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए करण कुंद्रा को शांत करने की भरपूर कोशिश की। और जब करण कुंद्रा घर वालों की फटकार लगा रहे थे तो तेजस्वी ने पास में जाकर कह दिया कि करण प्लीज ऐसा मत बोल, तू थोड़ा शांत हो जा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर प्रतीक सहजपाल अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। खैर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिग बॉस अब प्रतीक की जिद के ऊपर क्या ठोस कदम उठाते हैं। फिलहाल दोस्तों करण का इस तरीके से घर वालों की फटकार लगाना क्या सही है या गलत, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और यदि आप भी करण कुंद्रा के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।